साजिश नाकाम, सड़क पर मिले विस्फोटक को सुरक्षा बलों ने निष्क्रिय किया, चार आतंकी गिरफ्तार। किन्नौर में भूस्खलन में मरने वालों का आंकड़ा हुआ 23, राहत बचाव कार्य जारी। कोविड की थर्ड वेव से निपटने की तैयारी में जुटी सरकार, 6 राज्यों में लगेंगे 50% से ज्यादा आईसीयू पीडियाट्रिक बेड्स। पंजाब में अब एंट्री के लिए फुल वैक्सीनेशन या नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य। राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट एक हफ्ते के बाद बहाल, दूसरे कांग्रेस नेताओं की आईडी भी अनलॉक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन पर। ग्वालियर जिले में शनिवार सुबह दर्दनाक हादसा होने से इलाकों में हड़कंप मच गया। यहां महाराज बाड़े पर फायर ब्रिगेड की हाइड्रोलिक मशीन टूट गई, जिसके चलते ये हादसा हो गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद इलाके में चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और घायलों को नजदीक जिला अस्पताल में भेजा। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। दरअसल ये हादसा ग्वालियर जिले के महाराज बाड़ा इलाके में हुआ, जब क्रेन की मदद से ऐतिहासिक पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग पर तिरंगा झंडा लगाया जा रहा था। उस दौरान क्रेन की हाइड्रोलिक मशीन का प्लेटफॉर्म लगभग 60 फीट की ऊंचाई पर था, लेकिन अचानक ये प्लेटफॉर्म टूट गया और नगर निगम के कार भी गिर गए। ऐसे में 3 कर्मचारियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। गौरतलब है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ग्वालियर की ऐतिहासिक इमारतों पर तिरंगा फहराने की परंपरा है। इसी परंपरा के मद्देनजर क्रेन के जरिए झंडा लगाया जा रहा था। ट्विटर पर राहुल गांधी के अकाउंट पर कार्रवाई करने पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस वार्ता में कहा कि दुष्कर्म पीड़िता को उजागर करना गैरकानूनी है, जिसकी मां राष्ट्रीय पार्टी की अध्यक्ष हो तो उनको तो सामान्य ज्ञान होना चाहिए। गलती को गलती माने और बात खत्म करे, इसे राजनीतिक मुद्दा ना बनाए। वहीं उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अच्छा है उनका बेटा है, लॉन्च करें, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना, पर कांग्रेस का प्रदर्शन थोड़ा बहुत ठीक हो गया था। युवक कांग्रेस की तारीफ कर देते अच्छा लगता, कांतिलाल भूरिया जी के बेटे विक्रांत भूरिया जी, थोड़ी उनकी भी तारीफ कर देते तो जरा ऐसा लगता कि हाँ ठीक ठीक है। शाबाश दे दी, अब बाप तो बेटे को शाबाश ही देते ही है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पूर्व सीएम कमलनाथ के संबोधन पर निशाना साधा है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि इस देश के सभी नागरिकों को जश्न मनाने का अधिकार है, लेकिन परंपरा का निर्वहन भी करना चाहिए। कमलनाथ संबोधित करें, लेकिन संकल्प नहीं कि भाषण में राजनीति ना हो, भाषण में भारत माँ का जयकारा करें। इसके अलावा उन्होंने वैक्सीनेशन पर भी जानकारी दी। वहीं उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, इस देश के सभी नागरिकों को आजादी का पर्व मनाने का अधिकार है, अच्छी बात है, परंतु जो परंपराएं उसका भी निर्वहन जरूर होना चाहिए। ये बात सही है कि आजादी की वर्षगांठ हम सब प्रफुल्लित होकर आनंद के साथ मनाएं, पर संकल्प भी तो हो। कमलनाथ जी को ये जरूर बताना पड़ेगा कि 40-45 साल के सार्वजनिक जीवन में उन्होंने भारत माँ का जयकारा गूंज सके उसके लिए क्या कुछ किया है। उन्हें यह जरूर बताना चाहिए कि केवल नेहरू परिवार के जयकारे लगा लगा कर राजनीतिक क्षितिज पर पूरी ताकत के साथ रहने वाले कमलनाथ जी ने भारत माँ के जयकारा। जावरा में प्रथम बार जिला अध्यक्ष के रूप में पधारने पर राठौर नर्सिंग होम में जिला अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर गहलोत ने अपने संबोधन में कहा कि मुझे आज आपके बीच रहकर बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है। आप सभी में जो उत्साह का वातावरण देखने को मिल रहा है वह हमेशा बना रहे। हमें जिस सरकार की कथनी और करनी में अंतर हो, जो सिर्फ वादे करना जानती है, जिसके कार्यकाल में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच रही है, ऐसी सरकार के खिलाफ एकजुट होकर हमें कार्य करना चाहिए।
जनता के हितों को हमेशा ध्यान रखना है। ये तो स्वागत सत्कार का कार्यक्रम था। मैं तो आलोट दौरे पे जा रहा था तो बीच में हमारे सभी परिवार के साथियों ने कहा कि आपको रुकना है। बस ये तो संगठनात्मक कार्य प्रक्रिया है, तो कोई बनता है फिर हटता है। पहले मेरे पहले राजेश भरावा जी थे, मैं अब अध्यक्ष। जावरा में अनुशासन समिति के चेयरमैन एवं पूर्व गृह मंत्री भरत सिंह ने जावरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर मनोनीत सुशील को चट्टा को नियुक्त किया। इस अवसर पर समाज सेवी के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर एचएस राठौर, पूर्व जनपद अध्यक्ष हिम्मत सिंह श्रीमाल, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव मोहम्मद यूसुफ कड़प्पा, युवा नेता नीतिराज सिंह समेत तमाम लोग मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर पूर्व गृह मंत्री भरत सिंह ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जावरा में आम जनता परेशान हो चुकी है, इनके मुखिया को जनता की नहीं अपनी कुर्सी की लगी हुई है। भारत के इतिहास में पहली बार न्यायपालिका को कई बार कई मुद्दों पर शासन में बैठे जनप्रतिनिधि के द्वारा की जा रही मनमानी के खिलाफ टिप्पणी करनी पड़ रही है। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। उत्तम कुमार नर्रे, स्वास्थ्य अधिकारी नगरपालिका जावरा। स्वतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में देशवासी, प्रदेशवासी, नगरपालिका जावरा की जनता को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं संदेश ये देना चाहता हूं कि जावरा को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में नगरपालिका जावरा की जनता से सहयोग की अपील करता हूं कि डोर टू डोर के माध्यम से जो गीला कचरा, सूखा कचरा दो डस्टबिन में रख के गाड़ी की कंपार्टमेंट जो है, डोर टू डोर जो गाड़ी आ रही है उसमें दो कंपार्टमेंट बने हुए हैं जिसमें गीला और सूखा अलग अलग करके डालें, जिससे गीले कचरे से कंपोस्टिक खाद एवं सूखे कचरे से सूखे कचरे को सेलिंग करके नगर पालिका की रेवेन्यू बढ़ाई जा सके। सभी 7.5 करोड़ देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं मैं सभी देशवासियों से आग्रह कर रहा हूँ, इच्छा विधानसभा के सही मतदाताओं से आग्रह कर रहा हूँ कि कोविड इस महामारी को देखते हुए अपने मास्क जरूरी, 2 गज की दूरी जरूरी, यही मेरा सभी से संदेश है। और जनता को मैं आग्रह करना चाह रहा हूँ कि कोविड की इस महामारी को देखते हुए पंचायतों में स्वच्छता का ध्यान रखें। देश के हर कोने की खबर और खबर का हर एक सच देखने के लिए बने रहिए अपने पसंदीदा न्यूज चैनल प्राइम टीवी पर। अब आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल प्राइम टीवी को एमएक्स प्लेयर, जियो टीवी के साथ पेटीएम पर भी देख सकते हैं। राजनीति की हर चर्चा, हर चर्चित मुद्दे पर तर्कपूर्ण डिबेट देखिए मेरे साथ प्राइम टीवी पर शाम 4 से 5। इसी के साथ अब आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल प्राइम टीवी को एमएक्स प्लेयर, जियो टीवी के साथ साथ पेटीएम पर भी देख सकते हैं। खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी और कोरोना से बचाव के लिए मास्क है जरूरी। एक बार फिर से आपका स्वागत है प्राइम टीवी पर। आइए रुक करते हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन पर। इंदौर के संवेदनशील एरिया मुंबई बाजार में एक बड़ा विवाद होते होते बचा। पार्षद अयाज बेग के अन्य सामाजिक लोगों द्वारा समझाए जाने के बाद विवाद थमा। दरअसल इंदौर के पंडरीना थाना क्षेत्र के मुंबई बाजार में 2 नाबालिग लड़कियां के गले में हाथ डालकर कुछ युवक घूम रहे थे। वहां के रहवासियों ने जब उनसे नाम पता पूछा तो विवाद बढ़ गया। विवाद के दौरान लड़कियों के साथ आए 2 युवक ने भीड़ को गालियां दी और अपशब्द कहे। इसी बात पर विवाद पड़ गया और पार्षद आयाग बेज ने बीच बचाव कर लड़कियों और उनके साथ आए लड़कों को थाना पंडरीनाथ पहुंचाया। थाना पंडरीनाथ पर एडिशनल एसपी राजेश व्यास ने बताया कि कुछ गलत फहमी के चलते यह विवाद हुआ है। हम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को चिन्हित करेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे। ये पंडरीनाथ थाना क्षेत्र में उदयपुरा नाम की जगह है। यहाँ पर एक व्यक्ति अपनी 2 भतीजी जो है उनके साथ में जा रहे थे, तो किन्हीं युवकों द्वारा
युवक आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं उनके द्वारा इनको रोका गया और इनसे आधार कार्ड पूछा गया कि ये बच्चे लोग कौन है क्या है, और इस बात पर उनकी कहा सुनी हुई और उनके साथ में जो तीनों लोग थे स्कूटर चालक और दो बच्चियां उनके साथ। इंदौर में मंदबुद्धि महिला के साथ दुर्व्यवहार कर रही मंजिल से फेंकने का मामला सामने आया है। महिला उत्कर्ष संस्थान वृंदावन कॉलोनी बाणगंगा का पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं दूसरी मंजिल से गिरने के 4 घंटे बाद संस्था वालों को मोहल्ले में रहने वालों ने अवगत कराया, जिसके बाद उत्कर्ष संस्था के कर्मचारियों ने बुजुर्ग मंदबुद्धि महिला को 3 किलोमीटर दूर पोलो ग्राउंड के सुनसान इलाके में जाकर छोड़ दिया गया। मीडिया कर्मी ने पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी और इंदौर के सरकारी अस्पताल MY में महिला को भर्ती करवाया गया। वहीं इस पूरी घटना पर संस्था के जिम्मेदारों ने चुप्पी साध रखी है। संस्था को चलाने वाली नेहा शर्मा ने इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया है। बजे गिरी तो देख लिए, तो देख के लाके हमने हमारे गली में रखे, फिर उनको सूचना देने गए। हमारा लड़का सूचना दे के आए तो वो तो आया रिक्शा लेके, तो हम सोचे कि लेके चले जाएंगे अस्पताल, ले जाएंगे कहीं भी ले जाएंगे, तो उनने जाके वहाँ पटक दिया, रोड पे फेंक दिया जी। तो ऐसा होना चाहिए क्या जी? और आप ये मतलब बता रहे थे अभी कि हर बार इनके मारा पीटी वगैरह होती है, चिल्ला चोट होती है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए निर्माण की जाने वाली कॉलोनी को लेकर अब नगर निगम पर ही कांग्रेस सवाल उठा रही है। बता दें कि नगर निगम पर संपत्ति को लेकर जारी की गई NOC को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मामले पर एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने बताया कि मेरे द्वारा जनशक्ति नगर को लेकर जानकारी मांगी तो निगम के विभाग उन्हें बरगलाने लगे, जिसके बाद सूचना के अधिकार के तहत निकाली गई जानकारी में खुलासा हुआ कि नगर निगम अधिकारियों और भवन निर्माण अनुज्ञा शाखा द्वारा बिना किसी नियमों का पालन कर महज शपथ पत्र के आधार पर ही जनशक्ति नगर को लेकर NOC जारी की गई है, जिस पर सवाल उठाते हुए एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने नगर निगम अधिकारियों को कटघरे में ला खड़ा किया है। स्पष्ट लिखा है, क्या लिखा है? ग्राउंड फ्लोर ओपन लैंड, एरिया कितना है? 196,454। खाली जमीन है, फिर बारूद घर कैसे उड़ाया? और जब बारूद घर का आपने संपत्ति कर ही नहीं भरा, ये सामने सबूत है, तो संपत्ति कर अधिकारी ने मौके का निरीक्षण क्यों करा? और अगर करा तो कैसे प्रमाण पत्र दे दिया कि आपने सही संपत्ति कर भरा? मंदसौर जिले के थाना नारायणगढ़ पुलिस की सक्रियता से डकैती करने वाले आरोपी पुलिस की गिरफ्त में पहुंच चुके हैं। बदमाशों ने सूदखोरों से परेशान होकर कर्जा चुकाने के लिए वारदात को अंजाम दिया था। इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया। शिकायत दर्ज कर पुलिस ने छात्र को गिरफ्तार किया। पूछताछ में छात्र ने बताया कि नारायणगढ़ स्थित मुफ्त दर हार्डवेयर दुकान के पास गाड़ी को रुकवा कर लूट को अंजाम दिया गया और इस तरह से अब तक लाखों रुपए लूटे गए हैं। छात्र की निशानदेही पर पुलिस छात्र के गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश कर रही है। ये जून के अंतिम सप्ताह पे की बात है। थाना मल्लारगढ़ में, थाना नारायणगढ़ में एक व्यक्ति की शॉप है, ताहिर नाम का व्यक्ति है जो कि मनासा का रहने वाला है। वह व्यक्ति जब अपने शॉप से वापस मनासा जा रहा था तो रास्ते में उसको दो लोगों ने किडनैप कर लिया। पहले उन्होंने हाथ दे करके लिफ्ट लिया, लिफ्ट लेने के बाद फिर दूसरा व्यक्ति उनको कहीं और से मिला। इस तरह के दो व्यक्ति जब हो गए तो उन्होंने रास्ते में उसको कट्टा दिखा करके जो भी सामान उपलब्ध था, जो मैं चुका था वो और मोबाइल। कांग्रेस की सभागवार प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को एहसास हो गया है कि विधानसभा में गलती हुई है, अब कांग्रेस गलती को छुपाने का प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेस को कोई फायदा नहीं मिलेगा। वहीं उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तो इस बात का एहसास हो गया है कि उनसे गलती हुई है और वो गलती को कैसे ठीक करे। जनता में जो मैसेज गया है वो कांग्रेस के खिलाफ गया हुआ। विपक्ष का हमेशा ये जिम्मेदारी होती है, विपक्ष की कोशिश हमेशा ये होती है कि अधिकतम विधानसभा चले, जिससे कि जो प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर विधानसभा में चर्चा हो सके।
राजधानी में धोखाधड़ी के मामले में थमते नहीं दिख रहे हैं। इसी कड़ी में गांधीनगर थाना पुलिस ने ग्वालियर निवासी एक व्यक्ति की शिकायत पर मेडिकल कॉलेज में दाखिला कराने के नाम पर दो युवकों के खिलाफ ठगी का केस दर्ज किया है। पुलिस मोबाइल नंबरों के आधार पर फरार आरोपितों की तलाश कर रही है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनके पुत्र और भतीजे ने नीट की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास कर ली थी। वे उनका किसी बेहतर मेडिकल कॉलेज में दाखिला कराना चाहते थे। इस सिलसिले में उनका परिचय रितेश और राहुल नाम के युवकों से हुआ। दोनों ने बताया कि वे लोग गांधीनगर स्थित महावीर अस्पताल और चिकित्सा महाविद्यालय में काम करते हैं। अपने संपर्कों के माध्यम से वे कई छात्रों को कॉलेज में प्रवेश करा चुके हैं। उनकी बातों में भरोसा करने के बाद पंकज कुमार ने अपने पुत्र और भतीजे का एडमिशन कराने के लिए कॉलेज के काउंसलिंग रूम के पास उन्हें रुपए दिए। इसके बाद भी मेडिकल कॉलेज की प्रवेश सूची में पंकज के बेटे और भतीजे का नाम नहीं आया तो उन्होंने रितेश और राहुल से संपर्क किया तो उनका मोबाइल फोन बंद मिलने लगा। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ओलंपिक खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर अपनी राय दी। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में शामिल हुई हॉकी महिला टीम के प्रदर्शन पर कहा कि महिला की टीम ने गजब कर दिया। टीम चौथे नंबर पर रही पर कोई बात नहीं अगर मेडल ना जीत पाई हो, लेकिन जैसा खेली उन्होंने देश का दिल जीत लिया है। विवेक की माता जी भी यहाँ पे हैं, कमला देवी, उनकी आंखों में मैंने बार बार आंसू देखे। आज आपको भी प्रणाम, आपने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है। ऐसी सारी माताओं को मैं प्रणाम करता हूं। और जीतने के बाद विवेक की एक ही हसरत थी, अपनी मां कच्चे छोटे से घर में रहती है, एक पक्का घर बनवा दूं। आज मैं कमला देवी से पूछना चाहता हूं, बताओ मेरी बहन कहां मकान चाहिए। समाज को नशा मुक्त करने और जागरूकता लाने के लिए रायसेन पुलिस का अभियान चला रहा है। बीते दिनों गौहरगंज के गुलगांव में शिविर लगाया गया, वहीं सुल्तानपुर और बाड़ी में नशा मुक्ति शिविर लगाया गया जिसमें बड़ी संख्या में महिला और पुरुष सम्मिलित हुए। पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला ने लोगों को संबोधित किया। पुलिस कप्तान मोनिका शुक्ला ने लोगों को इस नशे के बंद कर दूसरे कार्य को शुरू करने की सलाह दी। साथ ही समाज की मुख्य धारा में आने की बात कही और जनपद ग्राउंड में पौधारोपण भी किया। बाड़ी थाना क्षेत्र के आसपास के गांव में जहां हमको ये जानकारी है कि यहां शराब का थोड़ा सा सेवन ज्यादा किया जाता है या विक्रय किया जाता है, इन गांव के लोगों को यहां बुलाया गया और नशे की बुराई के बारे में अवगत कराया गया। कई लोगों का ये कहना होता है कि यदि हम शराब का विक्रय ना करें तो हमारा जीविका उपार्जन क्या होगा। इस संबंध में हमारे द्वारा शासन के सभी विभागों को बुलाया गया और उनके द्वारा शासन की जो भी योजनाएं हैं जिनका ये लोग लाभ ले सकते हैं। सतना जिला के ग्राम चौरहटा कॉलोनी के पास हजारों घर पानी से वंचित हैं। लगभग एक माह से नल जल योजना बंद होने से हजारों परिवार पानी के लिए दर दर की ठोकरे भटक रहे हैं। वहीं जनपद पंचायत सदस्य गोरेलाल प्रजापति ने बताया कि ग्राम पंचायत चौरहटा निषाद प्रस्त कॉलोनी एवं चौरहटा मुख्य बस्ती में हजारों परिवार पानी के लिए दर दर भटकने को मजबूर हो रहे हैं, जिसकी सूचना संबंधित विभाग को बार बार अवगत कराने के बाद भी कोई निराकरण नहीं हो रहा। अब और देरी हुई तो क्षेत्र की जनता संबंधित ग्राम पंचायत विद्युत विभाग तहसील जनपद कार्यालय का घेराव करने को मजबूर होगी, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। अब खबर इंदौर से है जहां इंदौर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 10 साल के बच्चे का अपहरण कर उसके परिजनों से भारी मात्रा में फिरौती मांगने की घटना को अंजाम देने वाला था। पुलिस की सतर्कता से अपहरण करने के पहले ही आरोपी को पुलिस ने गिरफ्त कर लिया। आरोपी के कब्जे से घटना करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले धारदार छुरा, लाल मिर्च पाउडर और मोटरसाइकिल पुलिस ने जब्त की गई है। पुलिस की सतर्कता से बड़ी घटना टल गई, जिसे पुलिस थाना हीरानगर ने कार्रवाई कर आरोपी को घटना करने से पहले ही गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये भानगा के निवासी हैं, कॉलोनाइजर हैं राजतिलक गुंडे,
इनके बच्चे के अपहरण के संबंध में नरेंद्र पूरेवंशी निवासी परदेसीपुरा द्वारा एक योजना बनाई जा रही थी पिछले लगभग 6 महीने से, और इनके बच्चे के अपहरण की योजना थी जिसमें इसके साथियों के साथ ये अपहरण करके उससे एक और की फौती के लिए तैयारी कर रहा था। और कल उसने अपहरण करने के लिए जैसे ही आया और उसकी सूचना मिलने पर परिवारजनों रतनाम के सालाकेड़ी चौकी के पास जैन ढाबे पर अवैध रूप से घरेलू गैस की सिलेंडर का उपयोग होने की सूचना मिली। सूचना पर खाद्य विभाग के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों ने पहुंचकर कार्रवाई करते हुए 13 घरेलू गैस सिलेंडर को जब्त कर लिया और पंचनामा बनाकर ढाबा संचालक पर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया। बता दें कि खाद्य विभाग को लगातार अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद विभाग द्वारा ये एक्शन लिया गया। इसी के साथ मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। We'll be right back.